In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Two States. दोस्तों मूवी टू स्टेट्स जो रिलीज हुई थी 18 अप्रैल 2014 को, ये एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसको 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं अभिषेक वर्मान। बात करते हैं इसके प्रोड्यूसर की तो वो है करण जौहर, साजिद नाडियावाला और सिद्धार्थ रॉय कपूर। आते हैं कास्ट पर, इसमें अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, रोनित रॉय, अमृता सिंह, रेवती और शिव कुमार बालासुब्रमण्यम, ये सारे इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारे कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। ये डायरेक्टर अभिषेक वर्मान की एज अ डायरेक्टर डेब्यूट फिल्म है। बता दें कि फिल्म की स्टोरी का आइडिया 2009 में पब्लिश हुई एक नॉवल से लिया गया था। नॉवल का नाम था टू स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज और नॉवल के राइटर हैं चेतन भगत। अब बात करते हैं फिल्म के जो कास्ट और जो डायरेक्टर है, इसको लेकर बहुत सारी प्लानिंग चेंज की गई। मतलब बार बार डिसाइड कुछ और होता और किया कुछ और जाता। मतलब क्या हुआ, पहले जो इसके मेकर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि फिल्म की जो लीड रोल होगी वो होगी सैफ अली खान और प्रियंका चोपड़ा और फिल्म के डायरेक्टर होंगे सिद्धार्थ आनंद। लेकिन वो प्लानिंग चेंज की गई, फिर डिसाइड हुआ कि फिल्म में शाहरुख खान और आसिन दोनों लीड रोल में नजर आएंगे और इसके डायरेक्टर होंगे विशाल भारद्वाज और वो प्लानिंग फिर से चेंज की गई। और फाइनली जो इसमें जो अर्जुन कपूर का रोल था वो रोल पहले ऑफर किया गया था इमरान खान को, लेकिन इमरान खान उस टाइम किसी और फिल्म की शूटिंग में बिजी थे तो उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। देन तब जाके ये रोल दिया गया अर्जुन कपूर को। और जो आलिया भट्ट का रोल था, पहले ये रोल ऑफर किया गया था अनुष्का शर्मा को, लेकिन उन्होंने भी ये रोल करने से मना कर दिया। देन तब जाके ये रोल दिया गया आलिया भट्ट को। अब बता दें कि फिल्म जो है इसका तेलुगु में रीमेक बनने वाला है जिसका नाम होगा टू स्टेट्स, जो अभी अपकमिंग है। और फिल्म ने अलग अलग कैटेगरी में टोटल 5 अवार्ड्स जीते थे। खैर बात करते हैं कलेक्शंस की, तो फिल्म का इंडिया का लाइफटाइम जो नेट कलेक्शन था वो था 102 करोड़ 33 लाख रुपए का, 102 करोड़ 33 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 141 करोड़ 85 लाख रुपए का, 141 करोड़ 85 लाख रुपीस का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 35 करोड़ 88 लाख 35 करोड़ 88 लाख की कलेक्शन की थी। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 177 करोड़ 73 लाख रुपीस का। इसका बजट है 45 करोड़ का 45 करोड़ का। अब जो 45 करोड़ का बजट है उस हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था 102 करोड़ 33 लाख रुपीस का। तो फिल्म टू स्टेट्स इंडिया में तो सुपर हिट साबित हुई थी इंडिया के नेट कलेक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम इंडिया का नेट और इंडिया के से बाहर ओवरसीज इन दोनों को इंक्लूड कर दें तो फिल्म की जो ऑफिशियल वर्डिक्ट है वर्ल्ड वाइड वो है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की। यानी कि फिल्म टू स्टेट्स वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और इसी कलेक्शन के साथ ये साल 2014 की बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में 8th हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। गानों की बात करें तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 6 गाने थे। गानों को कंपोज किया था शंकर एहसान और लॉय के जोड़ी ने और गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य जी ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।